जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने पॉजिटिव चैनल फॉर यू पे। मैं हूं चंद्रशेखर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जयपुर एसोसिएट एंड अकाउंटेंसी और पॉजिटिव चैनल फॉर यू का। दोस्तों, नाग तीसरी पीढ़ी का एक ऐसा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे आप दाग दीजिए और फिर भूल जाइए, वो शत प्रतिशत अपने लक्ष्य को तबाह करके रहेगा। इसका भरोसा देता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अथवा DRDO द्वारा निर्मित नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इस मिसाइल में आधुनिक पैसिव होमिंग गाइडेंस सिस्टम शामिल है, जो कि एक बार में बहुत ही ज्यादा मारक संभावना प्रदान करता है, जो कि आधुनिक युद्ध टैंक और भारी भरकम वक्तव्य लक्ष्य को तबाह करने में सक्षम है। नाग एंटी टैंक को धरती और आकाश से भी ताका जा सकता है। इसका जो भूमि संस्करण मतलब जो लैंड वर्जन है उसको BMP-2 कॉम्बैट व्हीकल से दागा जा सकता है, और जो इसका वायु संस्करण है उसे ध्रुव या फिर रुद्र हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है। और दोस्तों, आज हम नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में ही बात करने वाले हैं, तो चलिए समर्थन फूकते और सबसे पहले जानते हैं इसके डेवलपमेंट के बारे में। नाग मिसाइल को रक्षा मंत्रालय के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया गया है। इन्हीं प्रोग्राम के अंतर्गत अग्नि, आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी मिसाइल को तैयार किया गया है। आकाश मिसाइल के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके देख सकते हैं, साथ ही आई बटन पे भी हमने ऐड कर दिया है। अब फिर आते हैं इस वीडियो पे। तो नाग मिसाइल का सबसे पहला परीक्षण 1990 में किया गया था। इस एंटी टैंक मिसाइल का स्थिर और चलित मतलब मूविंग टारगेट का परीक्षण 2007 और फिर 2008 में किया गया। फिर 2013 में इसके सीकर के मूल्यांकन के लिए पोखरण में परीक्षण किया गया, और इसके एयर बेस्ड वर्जन हेलिना का परीक्षण 2015 में चंदन फायरिंग रेंज में किया गया। फिर 2016 में मॉडिफाइड सीकर का टेस्ट थर्मल टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सफल रहा। डिजाइन एंड फीचर्स। नाग मिसाइल का बाहरी परत हल्के परंतु उच्च शक्ति मिश्रित सामग्री मतलब हाई स्ट्रेंथ कंपोजिट मटेरियल से बना है। इस मिसाइल में 4 मुड़ने वाले पंख लगे हैं। मिसाइल की लंबाई 1.85 मीटर, व्यास 0.20 मीटर और पंखों का फैलाव 0.4 मीटर, और जो इसका भार है वो 43 किलोग्राम का है। मिसाइल के आगे मार्गदर्शन प्रणाली लगी है, जबकि बीच में कॉम्पैक्ट सेंसर और वॉरहेड या हथियार रखे हैं। सबसे अंत में बूस्टर रॉकेट मोटर लगे हैं, और उड़ान के समय भी स्थिरता प्रदान करने के लिए पीछे 4 पंख लगे हुए हैं। दोस्तों, मार्गदर्शन प्रणाली के पीछे मतलब गाइडेंस सिस्टम के पीछे वास्तविक समय छवि प्रोसेसर अथवा रियल टाइम इमेज प्रोसेसर, जो कि बहुत ही तेज और कुशल एल्गोरिथम कैपेबिलिटी के साथ इसमें स्थित है, और ये स्वयं लक्ष्य निर्धारण एवं ट्रैकिंग कैपेबिलिटी प्रदान करती है। इसका डिजिटल ऑटो पायलट मार्गदर्शन, स्थिरता और नियंत्रण सुनिश्चित करता है। गाइडेंस एंड वॉरहेड। इस मिसाइल में पैसिव इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर लगा है, जो कि लॉन्च के बाद किसी भी लाइटिंग कंडीशन में अपने लक्ष्य के तरफ मार्गदर्शन या फिर गाइड करता है। साथ ही मिलीमीटर वेव एक्टिव रडार सीकर भी वैकल्पिक रूप से पेश है। और दोस्तों, मिसाइल में 8 किलोग्राम का उच्च क्षमता वाला विस्फोटक टैंडम आकार में लगा है, जो कि प्रीकर्सर और मेन चार्ज के साथ उच्च मारक संभावना प्रदान करता है। परफॉर्मेंस। नाग हथियार 230 मीटर प्रति सेकंड या फिर 828 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्थिर या फिर चलित लक्ष्य को किसी भी मौसम में, फिर चाहे वो दिन या रात हो, हमला कर सकता है, और जो इसका अधिकतम मारक क्षेत्र भूमि संस्करण का 4 किलोमीटर और हवाई संस्करण का 7 किलोमीटर तक का जा सकता है। तो ये था दोस्तों एक बहुत ही डिटेल वीडियो नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और ऐसी ही डिटेल वीडियो हमने आकाश, निर्भया और पिनाका मिसाइल के ऊपर भी बनाया है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लग रहा है तो आप हमें patreon.com या फिर PayPal या फिर आप Paytm के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।